दो ब्रेड ले लीजिए और उसे चॉपराइज कर लीजिए अच्छे से। छोटे साइज की है तो दो, अगर बड़े साइज की है तो एक। ये देखिए अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब इसमें कुछ चीजें जाएंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 टेबल स्पून कच्चा आम जिसे भी मैंने मोटा काट लिया है, 1 ग्रीन चिली जिसे मैंने तोड़ लिया है 2-3 हिस्सों में, और 1 छोटे साइज की प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और 2 से 3 टेबल स्पून धनिया जिसे मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। ये सब चीज़ें चली जाएंगी और इसे भी हम चॉपराइज कर लेंगे अच्छे से। चिकन पीसेस डाल देंगे, चिकन क्यूब्स आधे किलो के करीब। अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू बॉयल कर लिया था मैंने, 1 लार्ज साइज का बॉयल कर लिया, थोड़ा सा मैश कर लीजिए। इसकी बाइंडिंग के लिए डाल रहा हूँ। और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जैसे कि 1 टी कुटी मिर्चे, 1 टी रेड चिली पाउडर, 1/2 टी खटाई, 1/2 टी गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी जीरा पाउडर और 1/2 टी चाट मसाला पाउडर, 1.5 टी सॉल्ट, 1/2 टी जिंजर पाउडर एंड 1/2 टी गार्लिक पाउडर। ये सब हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा स्पून से नीचे करके और फिर से एक बार चला देंगे मशीन, फिर ये रेडी हो जाएगा। निकाल के इसे बोल में फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा फर्म हो जाए, सेट हो जाए। एक बार और चला लेंगे बस फॉर फ्यू सेकेंड। देखिए फ्रिज में रख दिया था मैंने, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 1 अंडा, 1 कप मैदा और 1 से 1.5 कप होममेड ब्रेड क्रम्स। अब हमें क्या करना है, अंडे में थोड़ा सा दूध मिला लेंगे 1 टेबल स्पून, ताकि इसका रेशन न्यूट है जब हम इसे बीट करें तो। इसमें डाल देंगे ये देखिए रेड चिली सॉस, थोड़ी सी डालनी है बस। हाफ टीस और मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली डालने से टेस्ट तो डिफरेंट आएगा ही और इसका कलर भी अच्छा आएगा। That's why I'm using red chili sauce. Mix it well. अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए रेशा बिल्कुल न्यूट्रल लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हमने दूध मिलाया था। आप चाहें तो पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन दूध मिलाने से टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। रेडी नाउ। अब हमें क्या करना है, पहले गीला हाथ कर लेंगे ताकि जो हमने बनाया है चिकन वो चिपके नहीं। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, चिकन फिंगर्स बना रहे हैं हम। देखिए अब हमें क्या करना है, पहले इसे मैदे में डालेंगे, फिर अंडे में और फिर एंड में ब्रेड क्रम में। फिर डाल दें मैंने इसमें मैदे में, कोट कर लेंगे अच्छे से, उठाएंगे हल्के हाथों से, डस्ट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा लगा है निकाल लेंगे और शेप देते हुए इसको हम डालेंगे अंडे में। अंडे में डिप करेंगे केयरफुली और बहुत जेंटली निकालेंगे। और फिर इसको हम डाल देंगे ब्रेड क्रम में।
ब्रेड क्रम थोड़ा सा झाड़ के एक्स्ट्रा, और फिर से इनसे हम शेप दे देंगे ताकि शेप ना बिगड़े। प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह हम सब बना लेंगे और इसे रख देंगे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हमें, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सब में डाल देगा, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेगा ताकि अच्छे से इनको जगह मिले।